हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कुकिंग फॉर फूडीज में आप सबका बहुत स्वागत है। आज मैं दिखाने जा रही हूँ कॉर्न स्टफ्ड मिर्ची वड़ा। तो चलिए देखते हैं। मिर्ची वड़े तो हम सबके घर में बनता ही है, तो क्यों ना वही मिर्ची वड़े को आज कुछ अलग स्टफिंग डाल के और बहुत ही क्रिस्पी करके बनाया जाए। उसके लिए मैंने मोटे मोटे पकोड़े बनाने वाले मिर्ची या जलापेनो ले लिया है। इस मिर्ची में तीखापन कम रहता है। अभी उसे चीरा लगा के अंदर का सारा बीज निकाल लूंगी। स्टफिंग के लिए मैंने उबला हुआ कॉर्न ले लिया है 2 कप जितना। और उसे दरदरा पीस लेंगे। पेस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट हल्का सा मिक्सी चलाना है तो हो जाएगा। अभी उसमें 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर डाल दिया, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ही डालिए। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्च की क्वांटिटी भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से डालिए। सारे मसाले को एक साथ मिला के मिर्ची के अंदर स्टफिंग कर दूंगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ दोस्तों, बाजू में दिए हुए बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। बैटर बनाने के लिए 1 कप बेसन ले लेंगे और 1/2 कप कॉर्नफ्लावर ले लेंगे। फिर उसमें एक एक करके नमक, वन फोर्थ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ग्रेटेड लहसुन डाल के सबको एक साथ मिला देंगे। इसमें आप अगर चाहे तो 1 चुटकी खाने का सोडा भी डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत पतला नहीं होनी चाहिए, थोड़ी गाढ़ी ही रहेगी। मिर्ची डूब जाए उतनी तेल ले लिया मैंने
और तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस के फ्लेम को इस समय हाई में ही रखना है। सारे मिर्ची बैटर में डुबो के गरम तेल में एक एक करके डाल देंगे और उसके बाद गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे। पकौड़ियों को तब तक फ्राई करना है जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। लीजिए, तैयार हो गया हमारा क्रिस्पी मजेदार मिर्ची वड़े।